जयपुर शहर में कल दोपहर में बेकाबू घोड़ा दौड़ता हुआ सामने से आ रही कार के बोनेट से टकरा गया। इससे पहले कार चला रहा शख्स कुछ समझ पाता, घोड़ा कार के आगे का शीशा तोड़ते हुए कार के अंदर बराबर की सीट पर आ गया। इस हादसे में कार में सवार शख्स के हाथ और पैर घोड़े के नीचे दब गए, हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। घोड़े की अंधी दौड़ देखकर सड़क पर चल रहे लोग घबरा गए। शहर के एक इलाके में किसी तांगे वाले ने अपना घोड़ा सड़क किनारे बांध दिया था। घोड़े के मुंह पर चारे की पोटली बंधी हुई थी। दोपहर के वक्त पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस में धूप में बंधा घोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और रस्सी तोड़कर भाग निकला। चारे की जो पोटली मुंह पर बंधी थी भागने के कारण उसकी आंखों पर चढ़ गई। गर्मी से बिटका घोड़ा दिखाई नहीं देने पर बौखला गया, वह सड़कों पर इधर उधर भागने लगा। इस दौरान चौराहे पर दो बाइक सवारों से भी टकरा गया, जिसमें बाइक सवार जख्मी हो गए। लोग घोड़े पर पानी फेंकने लगे मगर घोड़ा काबू नहीं हुआ। शहर के पंकज जोशी अपनी कार से जा रहे थे कि भागता हुआ घोड़ा सामने बोनट से टकरा गया। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही घोड़ा कार की विंड स्क्रीन तोड़ते हुए कार के अंदर बराबर की सीट पर आ गया। उनके हाथ और पैर घोड़े के नीचे दब गए। वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार का लेफ्ट साइड का दरवाजा खोलकर खींचतान कर घोड़े को कार से बाहर निकाला। कार को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, घोड़ा भी काफी हद तक जख्मी हो गया। चोट लगने के बाद घोड़ा बिल्कुल शांत हो गया।